आपने सुना होगा कि महिलाओं या जेंट्स के ब्यूटी पार्लर होते हैं जहां वे मेकअप कराने जाते हैं, लेकिन क्या कभी ऐसा सुना है कि भगवान के श्रृंगार के लिए भी अलग से कोई दुकान हो? जी हां, यूपी के मुरादाबाद में ऐसी ही एक अनूठी दुकान है जहां देवी देवताओं का श्रृंगार किया जाता है और इस दुकान में देवी देवताओं के मेकअप से जुड़े सामान भी मिलते हैं। लोग यहां देवताओं की मूर्ति लेकर आते हैं और श्रृंगार कराकर ले जाते हैं। इन दिनों कृष्ण जन्माष्टमी को ध्यान में रखते हुए लोग कान्हा जी का मेकअप कराने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बताते चलें कि कान्हा जी के मेकअप के लिए ये दुकान दूर दराज तक मशहूर है। कान्हा जी का कई प्रकार का मेकअप यहाँ पर किया जाता है जिसमें फुल मेकअप, हाफ मेकअप सहित आदि मेकअप शामिल हैं। भगवान के कपड़ों की ये दुकान मुरादाबाद के गंज गुरहट्टी चौराहे पर है। श्री त्रुपति स्टोर्स लड्डू गोपाल वस्त्र के नाम से मशहूर दुकान के मालिक अमित गुप्ता कहते हैं कि हमारी दुकान में सभी देवी देवताओं की मूर्तियों का श्रृंगार किया जाता है। माता को ज्वेलरी पहनाने से लेकर विभिन्न प्रकार के वस्त्र, लहंगे आदि शामिल हैं। इसके अलावा कान्हा जी का मेकअप भी होता है। इसमें कलर से लेकर सभी प्रकार के काम किए जाते हैं। लोग कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी में जुटे हुए हैं और अपने अपने कान्हा जी की मूर्ति लेकर आ रहे हैं। कान्हा जी का मेकअप हमारे आर्टिस्ट करते हैं, हर टाइप के बाजू बन और जिस तरीके से श्रृंगार होता है उस तरीके से करते हैं, जैसे रेगुलर कह सकते हैं जो लोगों का मेकअप होता है ब्यूटी पार्लर पर जाके, तो ये भगवान का ब्यूटी पार्लर है जहाँ भगवान को सजाया जाता है। जी जी, भगवान जी को सजाया जाता है हर टाइप का, उसमें जिस तरीके से मूर्ति पेंटिंग होती है उस तरीके से। अच्छा, तो कितना कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? संभल, बिलारी, मुरादाबाद, ठाकुर द्वारा, यहाँ सबसे आस पास, मतलब जैसे जैसे लोगों को पता चलता जा रहा है वैसे वैसे। तो क्या प्राइस रहता है सजाने का? 300 रुपए से स्टार्टिंग है। जितने फुल मेकअप फुल बॉडी मेकअप होता है 300 रुपए से स्टार्टिंग है। जैसे जैसे बड़ी मूर्ति होती है हिसाब से उसके अनुसार पैसे लेते हैं, उस हिसाब से जैसा ग्राहक कहता है वैसी। तो पिछले साल के मुकाबले इस बार जन्माष्टमी पर ज्यादा लोग जो है, उम्मीद तो यही है कि इस बार ज्यादा हो, हमेशा होप यही रहती है कि कोई ग्राहक खाली ना लौटे, संतुष्ट होके जाए। क्या अपील करना चाहेंगे ग्राहकों से? ग्राहकों से यही अपील है कि दुकानदारी अच्छी रहे, मतलब माल ज्यादा बिके ताकि लोगों को भी पता लगे कि मुरादाबाद में क्या क्या काम होता है।